राजनीति में छवि बनाने और छवि चमकाने के लिए राजनीतिक दल कई तरीके अपनाते हैं। अलग अलग तरीकों के द्वारा नेता जनता के बीच अपने आप को और अपनी पार्टी को ले जाते हैं। कोई जनकल्याण की बातें करता है, कोई गरीबी हटाने की बातें करता है, कोई क्रांति करने की बातें करता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अलग ही मिट्टी के बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आज आपको बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल एक अनोखी स्कीम चला रहे हैं जिसके सबसे बड़े लाभार्थी वो स्वयं ही हैं। हम शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल को ही लाभ होगा, और अब यह दिखने भी लगा है। शराब घोटाले में सिसोदिया 4 मार्च तक CBI रिमांड पर हैं। इस बीच एक समाचार सामने आया कि सिसोदिया और जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने अपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे स्वीकार भी कर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना केजरीवाल की कैबिनेट में नए मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में अब प्रश्न यह है कि इससे केजरीवाल को क्या लाभ होगा, और ऐसी कौन सी PR स्कीम है जिसके निर्माता और लाभार्थी केवल केजरीवाल हैं। इसके लिए हमें पहले मामले की गंभीरता को समझना होगा। मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और CBI की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और जमानत की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI की बेंच ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। स्वयं मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील AM सिंघवी से कहा, अपनी याचिका में अर्णव गोस्वामी और विनोद दुआ के केस का हवाला दिया। दोनों केस बिल्कुल अलग हैं। आपको निचली अदालत से जमानत लेनी चाहिए, FIR रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए। हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये मामला दिल्ली में हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट ले आए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, और अब दोनों ही जेल में बंद हैं। दोनों ही मंत्रियों के पास करीब 40% मंत्रालय थे। अकेले सिसोदिया के पास शिक्षा समेत 18 मंत्रालय थे। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, परंतु सरकार अनधिकारिक रूप से मनीष सिसोदिया ही चला रहे थे। अब प्रश्न यह है कि जो केजरीवाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार थे, जो केजरीवाल सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए थे, अचानक उन्होंने सिसोदिया को कैबिनेट से निष्कासित क्यों कर दिया? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं की कैबिनेट के मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं, लेकिन केजरीवाल ने अब तक जैन को मंत्री पद से नहीं हटाया था। केजरीवाल ने भले ही उनके मंत्रालयों का कार्यभार सिसोदिया को दे दिया था, लेकिन जैन से इस्तीफा नहीं लिया था। और दूसरी तरफ सिसोदिया के जेल जाने के दूसरे ही दिन उन्हें कैबिनेट से निकाल देना कई प्रश्न खड़े करता है। क्या इसका अर्थ यह है कि केजरीवाल सिसोदिया के जेल जाने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे कि उन्हें मंत्रालय से निकालकर दूसरे लोगों को मंत्री बना पाए? प्रश्न यह भी है कि क्या केजरीवाल ने एक बार फिर अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू कर दिया है, कि जो भी केजरीवाल के लिए थोड़ा सा भी खतरा बनता है, केजरीवाल उसे किनारे कर देते हैं। अब आप कहें कि आबकारी घोटाले से केजरीवाल को क्या खतरा? घोटाला तो मनीष सिसोदिया के आबकारी मंत्री रहते हुए हुआ है, तो जिम्मेदारी तो सिसोदिया की बनती है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा वित्तीय लेनदेन बिना पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री की सहमति के संभव नहीं है। ऐसे में केजरीवाल के अंदर भी कहीं ना कहीं बड़ा डर बैठा हुआ है। यह डर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ED और CBI इस पूरे मामले में किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। जांच एजेंसियां निरंतर इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि CBI किसी भी समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की पुत्री और तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य KVITA को भी गिरफ्तार कर सकती है। KVITA का नाम भी शराब घोटाले के आरोपियों में शामिल है। ED ने अपनी जांच में पाया है कि KVITA ने कारोबारी के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं को करोड़ों रुपए दिलवाए हैं। इसके साथ ही ED ने गुरुग्राम के कारोबारी अमित अरोड़ा को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। अमित अरोड़ा मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है। उस वक्त ED ने बताया था कि अरोड़ा ने KVITA से 2 अलग अलग नंबरों से 10 बार संपर्क किया। ऐसे में यदि KVITA की भी गिरफ्तारी होती है तो यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक और बड़ा झटका होगा, और यदि इस मामले में केजरीवाल का कोई कनेक्शन भी सामने आता है तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर पर दाग लगना तय है। इसके अतिरिक्त CBI मनीष सिसोदिया से अन्य आरोपितों व डिजिटल सबूतों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। दरअसल शराब घोटाले के आरोपियों ने 170 फोन बदले थे, अकेले सिसोदिया ने 14 फोन बदले थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन फोन्स में ही महत्वपूर्ण सबूत थे, इसलिए सिसोदिया समेत अन्य आरोपितों ने इन्हें नष्ट कर दिया। ऐसे में केजरीवाल का प्लान बड़ा सिंपल है, जो भी रास्ते का कांटा बने या तो उससे दूर रहो या फिर उसे ऐसे हटाओ के नाम उन्हीं का हो। वही केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ भी किया है।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।